नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह बोहरा। वन कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आने वाली है, आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं ये दिवाली आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए। इस दिवाली में कई लोग होंगे जो अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले होंगे और कई लोग होंगे जिनका सपना है कि वो अपने घर को और अच्छे से कैसे सजा सके। आई एम नॉट एन इंटीरियर डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन, आई एम ए डिफेंस पर्सन। आप लोगों की तरह ही जब मैंने अपने घर को सजाने की सोची तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैंने काफ़ी ऑनलाइन सर्च किया, लोगों के घर पे जाके उनसे इंस्पिरेशन लिया कि कैसे घर को सजाया जाए और कैसे कम बजट में पूरे स्पेस को यूटिलाइज़ करके उसको कैसे अच्छे से डेकोरेट किया जाए। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे एक 1 BHK फ्लैट के हर कॉर्नर को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और इसमें मेरी हेल्प करेंगी मेरी सहयोगी मधुपाल। नमस्कार, मैं हूँ मधुपाल वोरा। और जैसे कि नरेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे आप अपने घर का हर कोने का इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए जानते हैं नरेंद्र सिंह से ही कि कैसे उन्होंने अपने 1 BHK घर को खूबसूरत बनाया है और हर घर के कोने का कैसे इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द फ्लैट एंड दिस इज मेन हॉल। और सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि एंट्रेंस पे अगर शू कैबिनेट रखो या शूज़ रख दो तो इट गिव्स वेरी शैबी लुक। तो मैंने सोचा क्यों ना कि ऐसा रखा जाए कि शूज़ कैबिनेट भी अंदर हो जाए और किसी तरह से ये हॉल का भी यूटिलाइजेशन हो जाए। तो मैंने शू कैबिनेट प्लस यहाँ पे एक ऊपर MDF शीट का पार्टीशन कर दिया, जिससे टोटल हॉल का एक पार्टीशन भी हो गया और कैबिनेट भी बन गया। और अगर आप कैबिनेट को देखना चाहोगे तो ये फुल कैबिनेट ऊपर से नीचे तक 2 पार्टीशन में है। जो नीचे वाला पार्टीशन है उसमें हमने 4x को डिवाइड किया, जिसमें आप कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 20 pairs यू कैन अकोमोडेट इन दिस। एंड जो अपर वाला है, अपर वाले को हमने जैसे रोज़मर्रा की जो हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको ऑफिस जाना है तो आप वॉच पहनना है, आपको चार्जर है, ईयरफोन है, हमने तो चलो यहाँ पे रूम फ्रेशनर रखा हुआ है, बारिश का मौसम था तो हमने छाता भी रखा हुआ है, शू पॉलिश है, और कैंडल्स हम यूटिलाइज़ करते हैं तो हमने कैंडल्स को भी रखा हुआ है। और अपर स्पेस बचा हमने तो उसको हमने इसको डेकोरेट कर दिया है। सो इस कैबिनेट के साथ साथ हमने एक और कैबिनेट दिया, हमने इसको पैरेलल ही ना रख के यहाँ पे कट सेक्शन दिया ताकि यहाँ पे आराम से भी किसी को प्रॉब्लम ना हो शू पहनने में, आराम से बैठ के शू पहन सके। उस शू कैबिनेट को हमने यूटिलाइज तो करा और उसके ऊपर जो स्पेस था तो हमने उसको इस तरह से किया ताकि प्रॉपर होल का पार्टीशन हो जाए, और हमने इसमें MDF शीट लगाया और उसको प्रॉपर कट करवाया। तो हमने बुद्धा किया, एक कॉन्सेप्ट था हमारा कि देर शुड बी पीसनेस एंड सीरियन स्पेस शुड बी देयर। सो हमने उसके हिसाब से बुद्धा किया। साइड में जो आप देख सकते हो डियर है, और ये जो कटिंग स्पेस है एक ट्री का लोकेशन दिया, ट्री का इसको दिया हुआ है डिज़ाइन, तो हमें प्राइवेसी भी मिल गई। क्योंकि आप देखोगे तो हमारे एंट्रेंस के साइड ही कैबिनेट है एंड देन साइड में सोफ़ा लगा है उस साइड में, तो हमें प्रॉपर प्राइवेसी भी मिल गया। इस सेक्शन पे आप आओगे तो दिस इज़ टोटली ऑपोजिट टू मेन एंट्रेंस, और ये हमारे लिए सबसे टफेस्ट पार्ट था कि इस चीज़ को, इस सेक्शन को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, कैसे रिवीलिंग करें। तो हमने ऐसा कोशिश किया कि इस पे जो हमने ब्लू कलर दिया है, तो आप मेन एंट्रेंस से आओगे लाइटिंग भी है ऊपर से, आप देखोगे कि यहाँ पे 7 to 8 टाइप्स के कलर हैं जो रिफ्लेक्ट भी करते हैं, तो इस वॉल पे एक अलग सा लुक आता है अगर लाइट आप ऑन करोगे। और आप जो देखोगे ये जो तीन जो वुड वर्क का यहाँ पे किया हुआ है, ये तो हमें लोकल मार्केट से हमने लिया। अगर आप जाओगे तो ईजिली आप इसको, अगर आप चाहें कि मैं इसका कहाँ पे हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियोस में नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट टू एक्सपेंसिव, आई गॉट दिस 3 pieces इन 5,000 ओनली, इंक्लूडिंग फर्निशिंग, पॉलिशिंग एंड मिरर। और इस सेक्शन की अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ये हमने इस स्पेस को एक्चुअली डाइनिंग स्पेस ही यूटिलाइज किया। अगर आप देखोगे 1 BHK स्पेस में तो आपके पास इतना स्पेस नहीं रहेगा जिसमें आप डाइनिंग टेबल भी रख सकें, उस पर अगर 4 चेयर्स लगाना चाहें तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो एक ऐसा कॉर्नर रहता है कि हार्डली आप ब्रेकफास्ट या डिनर के टाइम आप यूज़ कर सकते हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने ऐसा करा कि ये जो टेबल है मैंने इसको फ्लेक्सिबल बनाया, अगर आप इसको ऊपर खींचोगे
वो एक टेबल की तरह बन जाता है, तो आप यहाँ पे तीन चेयर लगा के आराम से खाना खा सकते हैं। अगर आप इस सेक्शन से इस तरफ आएंगे तो आप इस वॉल को देखेंगे, तो सबसे अपर में एक वॉल क्लॉक है। अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं, अगर जोगेश्वरी एरिया को आप जानते हैं, तो जोगेश्वरी में वूड और इलेक्ट्रॉनिक का आप आराम से वहाँ पे आइटम्स ले सकते हैं। तो आई गॉट दिस वॉच है 1500 rupees ओनली। और मैं जैसे पहले आपको बताया कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था पीस का, उसके हिसाब से हमने ये जो बुद्धा का एक और जो फ्रेम था सेम हमने उसी मार्केट से लिया। और अगर इस मॉल के अगर नेक्स्ट सेक्शन में मैं जाऊँ तो ये एंट्रेंस है रूम में जाने के लिए, जिसपे हमने साईं की फ़ोटो लगा सकते हैं। तो आपने अपने रिलीजन के हिसाब से आप किसी की भी फ़ोटो रख सकते हैं, बिकॉज एज़ पर माई कॉन्सेप्ट ये एंट्रेंस के ऑपोजिट में है, तो इट लुक्स गुड इफ समबडी इज़ एंटरिंग द फ्लैट। सो हमारी उसके हिसाब से ये मुझे फोटोज़ अच्छी लगी तो मैंने एंट्रेंस पे डाली। मैं बताना चाहूँगी हॉल का सबसे फेवरेट जगह अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये लगता है कोजी स्पेस, जहाँ पे आराम से बैठ के आप गपशप मार सकते हो, चाय पी सकते हो। तो हमने इस स्पेस को बनाने के लिए बहुत मेहनत करी, जैसे मैंने आपको इनिशियली में बताया था कि इस हॉल को हमने प्रॉपर एक पार्टीशन के लिए शू कैबिनेट प्लस MDF शीट को डाल के इसका प्रॉपर पार्टीशन किया, तो वहाँ से हमें प्राइवेसी भी मिल गई। और ये हमने सोफ़ा जो डिज़ाइन किया एल शेप में, सोफ़ा तो है, अगर आप मैं इसको ओपन करूँ तो दिस इज सोफ़ा कम बेड। अगर आप देखोगे, अगर इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ तो फुल्ली एक बेड में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसमें ओपन भी करूँगा कैन कम फॉरवर्ड, आप देखेंगे स्टोरेज के हिसाब से भी यूटिलाइज किया गया, तो आप हम इसको स्टोरेज में यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आप घर डिज़ाइन कर रहे थे, आपने जब सोफ़ा डिज़ाइन किया, मुझे सबसे अच्छी बात लगी ये पार्ट। यस, दिस इज सबसे बेस्ट पार्ट है। आप कॉफ़ी पी रहे हैं या नरेन मेरे लिए कॉफ़ी लाओगे एक? बिल्कुल, एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आप चाय पी रहे हो या फिर जाओ पहले मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, एक ग्लास लेकर आओ खाली कप। ये कॉफ़ी पता मैंने क्यों मंगाई? मैंने जैसे बताया था कि आप आराम से कॉफ़ी पी सकते हैं, जैसे कि अगर आपको अपना मग वग रखना है तो आपको उठने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से यहाँ रख सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये था, ये कॉन्सेप्ट इसलिए हमारे दिमाग में आया, जैसे मैंने आपको कहा ये ऑलरेडी इस साइड आपका सोफ़ा लग चुका है और सामने वॉल पर आप देखोगे तो TV है। अगर आप चाहोगे कि इसके बीच में आप एक टीपॉय रखो या टेबल रखो तो वो एक और स्पेस को यूटिलाइज़ करेगा, तो हमने उस स्पेस को यूटिलाइज़ कम करने के लिए, ताकि यहाँ पे टेबल ना हो, किसी को हिट ना हो, बच्चे हैं उसको लगे ना, तो ये पूरा एरिया खाली रखा और ये स्पेस उसके लिए दिया गया ताकि आप आराम से मोबाइल भी रख सकते हैं और कप भी रख सकते हैं। और रही बात जो मैं स्टोरेज की बात करी थी, प्लस पॉइंट नरेन दिखाएंगे आप, पॉजिटिव पॉइंट मिला, पॉजिटिव स्पेस मिला कि जैसे ये वाला तो यूज़ हो गया, आप क्योंकि एलशेप सोफ़ा आजकल बहुत फैशन में है तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सोफ़ा के साथ अटैच है ये, तो आप आराम से सोफ़ा कम बेड तो यहाँ हो गया, और जो बेडशीट और आपके जो भी ब्लैंकेट्स हैं वो आप आराम से यहाँ स्टोर कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं टीवी वॉल की। जैसे कि हम टीवी वॉल की बात करें तो देखो, जैसे नरेंद्र सिंह ने जैसे बताया कि उन्होंने इसे रफ लुक दिया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बॉक्सेस नहीं बनाए हैं, एक बॉक्स ऊपर बनाया है जहाँ पे आप कोई भी तस्वीर रख सकते हैं और एक बॉक्स नीचे बनाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखो, 1 BHK फ्लैट में सबसे दिक्कत होती है मंदिर की, क्योंकि बेडरूम में हम मंदिर रख नहीं सकते, किचन में कई बार इतना स्पेस रहता नहीं है, कई बार नॉनवेज पकाते हैं तो लोगों को लगता है कि क्यों मंदिर किचन में ना हो। तो हमने इसे टीवी वॉल में लगाया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हमने अपने भगवान रखे हुए हैं। आराम से एक सिंपल सा, ज़्यादा खर्चा ना करते हुए एक ग्लास लगाया है जहाँ पे आप अपनी खूबसूरत शोपीस चीज़ें रख सकते हैं। और मैं और नरेंद्र सिंह जैसे बता रहे थे कि घर में हमने कोशिश की है कि आर्टिफिशियल चीज़ों का, आर्टिफिशियल फूलों का कम इस्तेमाल करें या नाक के बराबर करें। हमने इस तरह से पौधे रखे हैं जो एक अच्छा रिच लुक भी देते हैं और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। जो प्लांट्स हैं घर में, हम दोनों को शौक है कि हाँ प्लांट्स रहे हैं घर पे, तो हमने कोशिश करी है कि ऐसे प्लांट्स जैसे इंडोर प्लांट्स जो कि काफ़ी सर्वाइव कर सकें, तो हमने वो प्लांट्स लिए। आप देखोगे इनिशियली यहाँ पे मनी प्लांट्स है, ये जो ग्लास शेल पे रखा है उसके लास्ट एंड पे, और नीचे देखोगे तो बॉन्सोई का एक प्लांट है, और साइड में ये एक और प्लांट है जो ऑक्सीजन प्यूरीफाई करता है, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। कि लेकिन हमने कोशिश करी है कि अच्छे प्लांट्स रखें जिसके तरह से और एक अच्छी रिच लुक मिले। और आप इस पर देखोगे तो ये दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ बॉन्सोई, इसको हम बोलते हैं पचीरा प्लांट, मनी ट्री भी काफ़ी लोग बोलते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है। मेरा जो फेवरेट स्पेस है इस घर का वो है हमारा बालकनी, जिसको हमने बहुत कोशिश करी है कि हम उसको काफ़ी अच्छा कन्वर्ट करें, तो हमने इसको
जो हमने पहले से बोला कि हमें प्लांट्स रखना बहुत अच्छा लगता है, तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितने टाइप्स के प्लांट्स रखे हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो हम बाद में कवर करेंगे कि कौन सा प्लांट कैसा है और कैसे उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। नीचे जो है ये हमने ग्रीन ग्रास वाला कारपेट यूज़ किया है पूरे फ्लोर पे, तो ये भी एक अलग सा लुक देता है, अलग सी फीलिंग देता है। अगर आप बाहर बैठोगे या कभी मौका मिले तो आइए, एक अलग सा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप चाय पी सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं। हाँ। तो ये मेरा स्पेस देखिए, ये सही कहा, जैसे नरेंद्र ने बताया कि ये स्पेस ऐसा है जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। अगर आप मस्ती नहीं करना चाहते तो बच्चे यहाँ मस्ती कर सकते हैं। और हमने जो यहाँ पे पौधे लगाए हैं सब ओरिजिनल हैं, और देखिए ना कितने खूबसूरत लगता है, एक बालकनी को एक अलग लुक देता है। घर में ग्रीनरी होना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो बालकनी होती है उसमें एक जैसा कलर कर लेते हैं। आप यहाँ देखिए, हमने एक यहाँ पर येल्लो कलर किया है, बहुत खूबसूरत सा लाइट येलो किया है। और साथ में हमने एक बुद्धा, देखिए जैसे कि हर किसी का एक फेवरेट होता है, वैसे हमने बुद्धा पीस के लग रखा है। और छोटी सी बालकनी में, क्योंकि गर्मी वर्मी ना लगे, हम आराम से बैठ सकें, पार्टी कर सकें, चिल आउट कर सकें, तो एक अब छोटा सा फ़ैन लगा दिया। और साथ में हमने यहाँ पर भी प्लांट लगाया है, पाम ट्री लगाया है, जो एक अच्छा ग्रीन कहें या बहुत खूबसूरत लगता है। साइड में भी हमने इस तरह से डेकोरेशन किया है जहाँ पर पौधे लगाए हैं छोटे छोटे, और ऊपर हमने लाइटिंग लगा दी है जो कि फुल पार्टी की बात करें तो पार्टी थीम बन जाती है। और जैसे कि आप देखते हैं गांव में लालटेन, वो लालटेन आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। आज भी अगर आप गांव में जाते हैं तो लोगों के घरों में लालटेन है, तो हमने भी वहां से एक लालटेन लेकर आए और यहां लगा दिया, तो एक एंटिक लुक के साथ साथ बहुत खूबसूरत लगता है। और ये हो गया पार्टी करने की जगह जहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं 1 BHK में किचन बहुत छोटा है, लेकिन छोटा किचन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं वो अभी नरेंद्र सिंह वोरा बताएंगे। अच्छा चलिए मैं ही बताती हूँ। देखिए जैसे कि ये रहा किचन, सबसे पहले देखिए फ्रिज की जो जगह होती है वो हर फ्लैट में फ्रिज की जगह दी जाती है, जिसकी लंबाई ऊपर तक होती है, इतनी होती ही होती है। तो हमने सोचा कि हमने फ्रिज यहाँ लगा दी, अगर बड़ी फ्रिज रखें तो भी यहाँ तक आती है। उसके ऊपर हमने ये मिनी बार बनाया है, देखिए जिस तरह से आप आराम से अपनी फेवरेट बॉटल्स रख सकते हैं, ग्लासेस रख सकते हैं। ऊपर हमने कैबिन्स बनाए हैं, जहाँ ऐसे कैबिनेट्स, मतलब किचन में क्या रहता है कि मैक्सिमम आपके पास काफ़ी आइटम्स रहती हैं कि आपको रखना है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं दिखाना चाहते किसी दूसरे को, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक हमने फुल्ली कैबिनेट्स रख दिए, ताकि आप उसमें कुछ भी आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कैसे भी रख सकते हैं और उसको आपके अलग से लुक देगा। हमने वाइट लुक इसको इसलिए दिया, आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो घर का जो कलर है उसको हमने गोल्डन कलर दिया है, तो जब आप लाइट ऑन करते हैं तो अपने आप में एक रिफ्लेक्शन दिखता है गोल्डन कलर की। ये लाइट हमने लगाई है, कई बार आपको बेडरूम में हम लाइट नहीं चाहते, हॉल में नहीं चाहते, तो एक छोटी सी लाइट लगा दी जहाँ पे आप यहाँ की लाइट ऑन करेंगे तो हॉल और बेडरूम दोनों में रोशनी आएगी। ये रहा बेडरूम, बेडरूम में घुसते ही देखिए 1 BHK फ्लैट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्रेसिंग टेबल की, तो वो हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकता और ना ही हम यहाँ इस जगह पे लगा सकते हैं। तो कई लोग लगाते भी हैं, बट हमने क्या किया, हमने देखिए एक बाथरूम बाहर है, एक बाथरूम इनसाइड है, तो ये बाथरूम है। हमने सोचा कि क्यों ना बेडरूम में बाथरूम का दरवाज़ा कवर कर दें, बिकॉज़ हम चाहते थे कि जो हमारा कबर्ड है, कबर्ड भी हमने रफ़ लुक देने की कोशिश की है, तो इस तरह का हमने स्लाइडिंग कबर्ड्स बनाए हैं। और फिर हमने फिर से हमने ज़्यादा जगहों को इस्तेमाल करने के लिए स्टोरेज बनाया है, तो ये ऊपर स्टोरेज बनाया है जहाँ पे हम सामान रख सकते हैं। इसके पीछे बाथरूम है और ये आपका ड्रेसिंग टेबल का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हो और रेडी हो सकते हो। तो ये दोनों चीज़ हो गई, पीछे दरवाजा डोर का भी काम करता है और ड्रेसिंग टेबल का भी काम करता है। ये बेड प्लस स्टोरेज दोनों है और ये किंग साइज़ है, तो किंग साइज़ बेड लगाते हो तो बुक्स रखने की जगह नहीं मिलती है या रैक रखने की जगह नहीं आती जहाँ पे आप अपनी किताबें रख सकें। तो अगर आपको भी हमारे मतलब मेरे और नरेंद्र की तरह किताबें पढ़ने का शौक है, तो आप इस तरह से जो आपके वॉल आपके बेड के पीछे की जो वॉल है उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक लकड़ी लगा दी है, लैमिनेट कर दिया वही चीज़ जो कबर्ड में लगाया, और एक फट्टा लगा के हमने बुक्स स्टोरेज बना दिया जहाँ पे आप अपनी तस्वीरें और अपनी किताबें रख सकते हो। ठीक उसके साइड में हमने एक छोटा सा कंप्यूटर टेबल बनाया है जहाँ पे आप आराम से
ऑफिस वर्क आराम से कर सको। मतलब अगर आपको घर से आपको काम करने की आदत है मेरी तरह, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। ठीक उसके सामने फिर से हमने वही काम किया, लकड़ी के दो पट्टे लिए और उनको लैमिनेट किया प्लाईवुड को, और इस तरह से इस्तेमाल कर दिया। तो आपकी फेवरेट तस्वीरें या आपका जो भी शोपीस है वो रख सकते हैं। हमने हरे मनी प्लांट लगाए हैं जो इंडोर हैं, जो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। फिर एक कॉर्नर है, क्योंकि हमेशा ये जो कॉर्नर होता है वो खाली अच्छा नहीं लगता, तो हमने इस तरह से एक बच्चों के खिलौने के टॉय की बात करें तो वो हमने सजाने के लिए रख दिया है। नरेन, अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरी तरफ से शायद लाइटिंग पार्ट है जो हम अभी कवर नहीं कर पाए, जो आपको दिखाऊंगा कि ऊपर जो लाइटिंग है आप उनके मोड चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आपको कितनी लाइट चाहिए। जैसे मैंने लाइट अभी कम कर दी है, ये ऐसी लाइट है जिसके आप दो मोड है, वो एक मोड ये है और एक मोड ये है। अभी यहाँ पे हमने वॉल कॉम्बिनेशन देखा, आपने देखा हमने जैसे कि ब्लू और डार्क शेड लिया है, तो हमने अपने कबर्ड के ठीक अपोजिट में जो वॉल है उसमें डार्क मैरून कलर दिया है जो बहुत अट्रैक्टिव है। हाँ, जैसे मैं कि लाइटिंग की बात कर रहा था, लाइटिंग जो रूम का लाइटिंग था वो तो मैंने आपको दिखा दिया। ये रहा बाहर का फोर सीलिंग, जहाँ पे सेंटर में एक लाइट है जिसके कम से कम 7 या 8 कलर हैं, तो वो अपने आप चेंज होते हैं, उसके 3 मोड हैं, अपने आप चेंज भी होता रहेगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर कलर रखना है तो वो भी रहता है। अगर साइड में फोल सीलिंग के साइड में आप देखोगे, वहाँ पर ये जो मैंने लाइट लगा रखी है इसके आप 3 मोड चेंज कर सकते हैं। एक सेंटर लाइट है जो वाइट है, उसकी जो पूरा बॉर्डर दिया हुआ है वो है ब्लू कलर का, आप दो वो भी दोनों एक साथ कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा एक बार ऑफ करेंगे तो ये सिंगल कलर में आ जाएगी, इससे भी आप घर को 3 लुक दे सकते हैं। और अगर मैं ये इस सेक्शन की बात करूं जहाँ पे मैंने कहा था कि इस वॉल को देने के लिए हमने काफ़ी मेहनत करी थी, यहाँ पे भी हमने सबसे ऊपर एक ऐसा लैम्प दिया है जिसमें 4 या 5 कलर हैं। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll keep posting the videos. If you like this video, press like button, subscribe it. We'll keep posting different content. जी हाँ, जैसे नरेन ने बताया कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो ये था एक इंटरेस्टिंग वीडियो 1BHK फ्लैट के बारे में। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाएंगे, आप हमसे ज़रूर जुड़े रहें। और आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली।